अग्रवाल मंडी टटेरी में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगभग छठे दिन भी जारी रहा, जिसमें चौथे दिन आम आदमी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष अपने जिलाध्यक्ष व साथी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए पहुँचे और कहा कि इस तरह की तानाशाही व मनमानी रवैया नहीं चलने देंगे। सरकार को जनता हित में कार्य करने का अधिकार, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी भैया, आपका नाम? सौमेंद्र ढाक। ढाक जी, आज आप लोग आए हैं किस पार्टी से, क्या चीज आपका पूरा मामला है, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर पहुँचे हैं? देखिए, NHAI द्वारा जो है बागपत मेरठ जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसी सड़क की जो चौड़ाई है वो सड़क के मध्य से 10 मीटर दोनों तरफ, लेकिन NHAI जो है और वो स्थानीय प्रशासन जो है अपनी मुठमर्दी के दम पर 10 मीटर से अधिक, करीब 13 मीटर पर यहाँ पर सड़क निर्माण करना चाह रहा है। और उसमें यदि वो 13 मीटर पर करते हैं तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो सड़क के आसपास जिनके मकान हैं, उन्हें बहुत ही नुकसान हो रहा है और वो कम से वो बर्बादी के कगार पर पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग जो अभी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले, जो भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष हिम्मत सिंह के नेतृत्व में पिछले 4 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस धरने प्रदर्शन को आज यहाँ समर्थन देने के लिए आया हूँ। और मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ कि वो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, जो राजस्व रिकॉर्ड में 10 मीटर के जो चौड़ाई की जो बात कही है उसी के अनुसार यहाँ पर निर्माण करें। यदि उससे ज़्यादा वो निर्माण करती हैं तो हम लोग पुरजोर तरीके से यहाँ पर इन दुकानदारों का, मकान मालिकों का, भारतीय किसान यूनियन का पूरा समर्थन करेंगे। और मेरी प्रशासन से पुनः यही निवेदन है कि वो यहाँ के लोगों के साथ, स्थानीय निवासियों के साथ अन्याय ना करें।